दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नौगामा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की बहू और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई, जबकि मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे हमीर सिंह गंभीर हालत में बुरगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार शाम अलवर जिले नौगामा के खुसपुरी में हुआ। यह क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर के पास है। हादसे के समय गाड़ी में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी चित्रा सिंह, बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर मौजूद था। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूर्व सांसद मानवेंद्र के सीने की पसली टूट गई है। उनके बेटे हमीर के हाथ और नाक में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि कार चालक के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अलवर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानवेंद्र सिंह और उनका परिवार दिल्ली से जयपुर जा रहा था। ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिससे तेज रफ्तार कार सड़क से उतरकर डिवाइडर से टकराई थी। अलवर एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह के अनुसार हादसा करीब 5 बजे हुआ। कंट्रोल रूम पर हादसे की सूचना आने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। लोगों की माने को तेज गति में होने के कारण कार असंतुलित होकर सड़क से उतर गई और डिवाइडर को पार कर एक दीवार से टकरा गई। इससे कार का आगे के 2 एयरबैग खुलने से कार चला रहे दिनेश सिंह तंबर और आदि की सीट पर बैठे हमीर सिंह सीट बेल्ट बांध रखी थी, जिससे उन्हें कम चोट आई। वहीं पीछे की सीट पर एयरबैग नहीं खुले। ऐसे में पीछे सीट पर बैठे मानवेंद्र सिंह और उसकी पत्नी चित्रा सिंह को गंभीर चोट लगी।